नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपके 5 दिनों के बारे में बात करने वाले हैं और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जीवन में जो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है वह आपके जीवन में नए बड़े बदलाव करें। वह दोस्तों, इन 5 दिनों में ये 5 बड़े कार्य होते रहेंगे व खुशखबरियाँ भी आप लोगों के जीवन में ज़रूर आएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। वीडियो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारियाँ सर्वप्रथम मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जान लेते हैं कि कौन से बड़च का चमत्कार होने वाले हैं विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए व रोजगार लोगों के लिए कौन से बड़े बदलाव होंगे। दोस्तों, इस समय से आपके लिए पारिवारिक जीवन में, प्रेम संबंधों के लिए, पति पत्नी के बीच में क्या कुछ खास रहने वाला है। दोस्तों, आपसे बस हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये सारी जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सर्वप्रथम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए जान लेते हैं आपकी कुछ खास सावधानियों के बारे में। बाहरी संपर्क और अधिकतम मजबूती बनाए रखें, आपके लिए कुछ लाभदायक परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। लोग आपकी गतिविधियों व व्यवहार से प्रभावित होने वाले हैं। घर के सुख सुविधाओं से संबंधित कार्यों में भी दोस्तों अच्छा समय आपका व्यतीत हो सकता है। जल्दबाजी के चलते आप कोई भी डील को साइन ना करें, अन्यथा इसका नुकसान आप लोगों को ही उठाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जलन की भावना से आपको आपके बारे में कुछ बड़ी अफवाह फैला सकता है, जिसका प्रभाव आपके मान सम्मान पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। कई गतिविधियों में दोस्तों फोकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यवसायिक गतिविधियां अभी यथावत ही रहेंगी, यानी कि एक जैसी ही चलती रहेंगी। इसलिए आप लोगों को ज्यादा उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही मार्केटिंग स्थितियां भी सामान्य रहने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन में सहयोगात्मक और भावात्मक भरे हुए संबंध आप लोगों के बन रहे हैं। दोस्तों के साथ में मनोरंजन की स्थिति व कार्यक्रम भी प्रारंभ हो सकता है, तो दोस्तों इन चीज़ों का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय दोस्तों आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान से रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को राजनीति से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में भी मन में दोस्तों आप लोगों की थोड़ी सी उथल पुथल की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन स्थिरता बनाए रखने से आप लोगों के जीवन में नए बड़े बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, प्यार भरे पल व्यतीत करें। आप आज अपने लिए समय निकालने में कामयाब होंगे, जिसमें आप अपनी कमियों व खूबियों पर गौर करवाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। जीवन साथी के साथ सुख भरे पल व्यतीत करेंगे। घर में पूजा पाठ कीर्तन आदि का आयोजन होगा, जिसमें सभी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखना होगा, नहीं तो मन मुटाव हो सकता है। आपको अपने पुराने दोस्तों से मिलना होगा, जिससे आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो सकें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप लोगों को मध्य के दिनों में कुछ खास संदेश मिल रहे हैं। वह दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता न रहने से कुछ मुद्दों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। आपके राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है। आपने जिन कार्य को लेकर प्लानिंग की है वह शाम तक पूरे हो सकते हैं व लाभ प्राप्त होगा, और मन में हर्ष का माहौल बना रहेगा।
कार्य क्षेत्र में भी कुछ बड़े बदलाव होते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके हित में होंगे, आपके काम को आसान बनाएंगे। कुछ लोगों का दिन दोस्तों के साथ में मौज मस्ती में बीतेगा, खासकर आप छात्रों का बोझ कुछ कम रहेगा व दोस्तों के साथ में अच्छा वक्त बिताएं। वहीं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनका जूनियर से किसी बात को लेकर मूड खराब हो सकता है, लेकिन फिर से आप परेशान ना हो और अपने काम पर फोकस करेंगे। जो लोग कम्युनिकेशन क्षेत्र से संबंधित काम धंधे से जुड़े हैं, उनका काम अच्छा चलेगा। भाग्य का साथ मिलने से सभी कार्य आसानी से होते दिखेंगे। कोई खास काम पूरा करने में सफल होंगे, आपके व्यक्तित्व व्यवहार कुशलता की सामान्य प्रशंसा होगी व मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अपने किसी विषय को लेकर चल रही समस्याओं का समाधान मिलेगा। व्यर्थ के घूमने फिरने में समय खराब ना करें, क्योंकि इसमें समय पैसा बर्बाद होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। युवा वर्ग को अपने कार्य को लेकर के चिंता रहेगी, परंतु ये समय धैर्य व संयम रखने का है। कार्य क्षेत्र में नई गतिविधि शुरू करने से पहले स्टॉक और कर्मचारियों से आप लोगों को सलाह मशवरा करने में काफ़ी फायदेमंद स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। वैवाहिक जीवन में सहयोगात्मक व भावात्मक कुछ संबंध बने रहेंगे। दोस्तों के साथ में मनोरंजन कार्यस्थल कुछ बन सकता है व आप बाहर घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। कोई भी काम करने से पहले आपको उसके बारे में गहराई से जानकारी व विचार करने की आवश्यकता है, इससे आप अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। कुछ लोग व्यवधान जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं व दोस्तों आप लोगों के कार्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी करना चाहते हैं। सावधानी पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। धैर्य और संयम बनाए रखें। अपनी व्यक्तिगत बातों को किसी को भी ऐसे साझा ना करें, वरना दोस्तों आपका नुकसान हो सकता है। अधिकतर व्यवसायिक कार्यों में आप लोगों को घर के फोन का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा कोई रिकॉर्डिंग करके आपको आपके काम के जाल में फंसा सकता है। आय की स्थितियों में कुछ मंदी रह सकती है। नौकरी पेशा लोग ट्रांसफर लेने की कोशिश ना करें। घर में परिवार में खुशी वाला भरा माहौल रहेगा। लव पार्टनर के साथ में मनोरंजन समय व्यतीत होगा। वर्तमान मौसम की वजह से सावधानियां बरतने की जरूरत है। पेट की समस्याएं संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अपने बड़े लोगों का अनुभव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑफिस में किसी क्लाइंट के साथ बहस में ना पड़े, वरना मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में मर्यादा रखें। व्यायाम व योगा को दिनचर्या को रूप में शामिल करें, क्योंकि सर्वाइकल कंधों में दर्द जैसी शिकायतें बढ़ सकती हैं। हर तरफ उचित व्यवस्था बनी रहेगी।